हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 14 फरवरी है, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को, ऑल ऑफ यू। आज है वैलेंटाइन डे और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट किया है और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता सुबह का। तो वैसे तो सुबह को हम नहीं करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा चलो आज ब्रेड खा लेते हैं, मन कर रहा था। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा सभी का। तो अभी मैं बनाऊंगी खाने में आलू मटर की सब्जी। और अदरक नहीं थी तो अदरक ली थी मैंने, और मटर ली थी अभी। तो ये पन्नी से मैंने, उसने सब्जी वाले ने इसी में डाल दी थी, तो वही मैं निकाल रही हूँ अभी। और आलू मटर बनाऊंगी मैं अभी। प्याज वगैरह मैंने काट ली है और आलू काट रही हूँ और मटर छीलूंगी अभी। तो बस प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए कुकर गरम मैंने रख दिया है, गरम हो गया है। इसमें मैं अभी डाल दूंगी तेल सब्जी के लिए, थोड़ा ही, ज़्यादा तेल नहीं हम खाते हैं, मीडियम ही, ना तो कम ना ज़्यादा। और ये देखिए तेल गरम हो गया है हमारा। अभी मैंने इसमें डाल दी है प्याज, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए प्याज हमारी हो गई है। अभी मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, पीसे हुए रख के थे मैंने, पीस के रख दिए थे रात को ही। दो बार के मैं पीस लेती हूँ हाथ वाले चॉपर में, तो उसी में, मिक्सी में नहीं पीसे थे मैंने, उसमें ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। और अभी मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर दूंगी इसमें, नमक, धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सभी चीज़। और एक बार फिर से इसको मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये मटर पहले, ताकि इसमें हल्की सी ये पक जाए, और उसके बाद फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। और दो सीटी लगते ही मैं रसीली सब्जी बनाऊंगी, तरी वाली। तो बस ये देखिए इसमें आलू डाल के इसको 2 से 3 मिनट फिर से एक बार भून लेते हैं, और फिर हमें जितनी ग्रेवी चाहिए होगी, जितनी भी आपको पसंद हो, पतली या सूखी जैसी भी सब्जी, उतना ही पानी डाल दो। और इसमें 2 सीटी में हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, पर 2 सीटी ही लगानी है। तो ये सुबह का खाना बना रही हूँ मैं। सुबह खाना तो जल्दी ही बन जाता है, इसके पापा जाते हैं ड्यूटी पे, तो इसलिए। और ये मैंने पानी गर्म किया था गैस पे आटा गूंदने के लिए, आटा गूंद लिया है मैंने। और अभी निधि उठी है, बच्चे अभी उठने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह तो जाते नहीं है, तो अपनी मर्जी से ही उठते हैं बस। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, और अभी निधि पहले उठ के कोलगेट करेगी और उसके बाद फिर नहाएगी। तो और सब्जी मैंने बना ली है, आटा लगा दिया है। अभी मैं जाऊंगी ऊपर, मशीन लगा रखी है तो वही देखने जाऊंगी मैं उसको चलाने के लिए। उसमें कपड़े डाल दिए हैं मैंने, अभी मशीन भी लगा दी है, तो उसका साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और खाना बना के बस अपना फिर काम हमारा सुबह 9, 9:30 बजे तक सारा कंप्लीट काम हो जाता है। तो सुबह को ही सब नहा लेते हैं जल्दी, तो कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं। और ये ऊपर कपड़े पड़े थे जो कल के हैं, वो अभी मैं नीचे लेके आ गई हूँ और मशीन लगा के आ गई हूँ। निधि अभी नहाने जा रही है और अंकित अभी सो रहा है। वंशिका के स्कूल खुल गए हैं तो वंशिका जा रही है, लेकिन अभी छोटे बच्चों के अभी रोज स्कूल नहीं खुले हैं। अब देखो अभी बोल रहे हैं कि खुलने वाले हैं अभी, लेकिन इनका कोई मैसेज नहीं आया है। और ये देखिए टाइम 8:30 बज रहे हैं सुबह के, तो बच्चों के तो मजे आ रहे हैं, सो रहे हैं अच्छी तरीके से और अच्छे इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल जाएंगे तब इनको पता चलेगा। और आज फिर जा रहे हैं भतीजे को देखने के लिए हॉस्पिटल, 1 दिन 2 दिन छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो उसका ऑपरेशन ठीक हो गया था, लेकिन अभी उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई है। जो टाँके थे उसके, उसमें को पानी आ रहा है, वो भाभी बता रही थी, तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं और ऑटो में ही जा रहे हैं। उस दिन बस में पूरा दिन लग गया था, टाइम लगता है ऑटो में जाने में, और ऑटो में ये है कि अपना 1 घंटे में आने जाना हो जाता है जल्दी ही।
तो बस अभी हम वहीं पे जा रहे हैं दोनों बहनें। और ये देखिए हमारा छोटू कैसा है, तो प्लीज़ इसको आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। छोटा बच्चा है, इतने दुख ना भरे, भगवान जल्दी से इसको ठीक कर दे। और ये जो इसको फिर से टाके ख़राब हो गए हैं वो भी जल्दी से सही हो जाएं। तो बस हम आज फिर अपने भतीजे से मिलने आए हैं। और मैंने यहाँ की कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वीडियो मैं 2-3 बार दिखा चुकी हूँ, बार बार ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यही मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी बस। और पहली बार मेरे लिए लाए थे रोज़, और छुपा के ऐसे ही दे रहे थे कागज़ में। मैंने कहा कि इसमें से कागज़ में से निकाल के दो, बच्चों के सामने नहीं दे पा रहे थे। और बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार वैलेंटाइन डे मनाया है हमने। वैसे तो वैलेंटाइन डे इसके पापा मेरे लिए लेके आए हैं रोज़, आज पता नहीं क्या सोचा पहली बार लेके आए हैं। तो पहली बार मनाया हमने वैलेंटाइन डे। बताना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना। बाय बाय।